फरवरी मार्च में जुलाई में चुनाव होने की संभावनाएं हो सकती हैं मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए, तो साथियों से अपील करते हैं कि सीटों के संघर्ष फंड में अपना सहयोग जरूर दें, क्योंकि हमारे पास अभी इसमें फंड की कमी है और धीरे धीरे हमको अपना फंड जनरेट करना है जिससे चुनाव के समय हम लोग मदद मिल सके। अभी जो है मतलब मैं कर्मचारी से बात करते रहता हूँ, उनका जो मूड है वो बीएमएस इंटुक और जो भी पार्टियों से जो है तंग आ गया है उनके हरकतों को देख के। वो क्या है कि चुनाव से में कुछ और वादे करते हैं, शायद एक भी वादे पूरे नहीं हुए, तो सीटू के लिए उनके मन में शार्प कॉर्नर है, तो उसको हम लोग कैसे जगाएं? ये तो कर्मचारियों को खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि सीटू का कार्यकाल भी दो कार्यकाल दे चुके हैं है? इंटक का कार्यकाल भी दे चुके हैं, बीएमएस का भी कार्यकाल दे चुके हैं जी। तो ये कर्मचारियों को खुद को स्वयं आकलन करना है कि हमें आने वाले समय में नया प्रयोग करना है या फिर से हमको सीटू को भरोसा दिखाना है। और हम लोगों ने अपने 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 समय में जितने भी काम किए थे उसका परिणाम यही है कि आज तक उसका लाभ लोगों को मिलता चला जा रहा है, चाहे वो छुट्टी को लेकर के सीएल को लेकर के हो, एचपीएल को लेकर के हो, चाहे लोन लेने के संबंध में हो, सीपीएम लोन को लेकर के हो, या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के है। जितना जिस तरीके से सीटू ने काम किया था, कैंटीन व्यवस्था को लेकर के है, हम सीटू ने जिस तरह से काम किया था उसके बाद से अभी लगातार उसमें गिरावट देखी जा रही है। तो ये कर्मचारियों को स्वयं को आकलन करना है, विश्लेषण करना है और खुद ही अपने स्वयं से एक अच्छी यूनियन चुने। कर्मचारी तो कर्मचारी जो आईआर वाले और यहाँ तक कि हमारे अपोजिट यूनियन वाले भी मानते हैं कि यदि कोई मैनेजमेंट से लड़ के भिड़ के सड़क पर उतर के कोई अपनी बातों को मनवा सकता है तो एक ही नाम है सीटू, है ना? तो इस चीज़ को हम जो है मतलब आक्रामक रूप तो है, मगर वो जनसंपर्क की कमी कारण जो है हम उसे घर से निकाल नहीं पा रहे हैं। और विभागीय जो कमेटी, जैसे कि पिछले बार बोले कि जीएम से मिलेंगे, आदमी से मिलेंगे, दो दो साल चार चार साल में जो है ना एक मीटिंग नहीं होती जीएम से। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है अपने केंद्रीय और जो ऑफिस क्या बोलते हैं ऑफिस बेयरर्स को इस बात का इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो जो है कर्मचारियों से जाके मिले, अधिकारियों से मिले ना मिले वो कोई बात नहीं है। और अभी हमारे पास एक कॉमन क्वेश्चन ये आ रहा है कि हड़ताल से हमको क्या मिला, इसके बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए, कर्मचारियों ने हड़ताल में जो अपना स्वविवेक और कर्मचारियों के यूनियनों के माध्यम से, संयुक्त यूनियन के माध्यम से जो अपील किया गया था, संयुक्त यूनियन के माध्यम से जो अपील किए थे उस पर अपना निर्णय लेते हुए जो काम किया वो सराहनीय रहा और एक स्ट्राइक को एक सफलतापूर्वक एक दिशा की तरफ ले गए हैं। अब देखते हैं मैनेजमेंट कब इस पर अपना निर्णय लेता है। जो हम लोगों की डिमांड थी खासतौर पर एरियर को लेकर के है, बोनस फार्मूला को लेकर के है और वेतन समझौतों को पूर्ण करने की दिशा में जो काम करना है उसकी दिशा में अब हमारा यही है, देखना है कि मैनेजमेंट कब तक उस पर काम करेगा और नहीं होगा तो फिर आगे जा करके फिर हमें फिर एक और इसी दिशा में निर्णय लेना पड़ेगा फिर। लेकिन जो भी काम रहेगा संयुक्त रूप से संयुक्त प्रयास की दिशा में जाएंगे। धन्यवाद। ये हैं हमारे सीटू भिलाई के महासचिव श्री जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी सर, धन्यवाद आपका।